आमना आसिफ है, मैं 1A में पढ़ती हूँ। तैयब के क्या मायने हैं? तैयब के मायने पाक होना। शहादत के क्या मायने? शहादत के मायने गवाही देना। हमारे आखिरी नबी कौन है? हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हजरत बीवी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही कौन सा फरिश्ता लेकर आया था? हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के 5 अरकान हैं। पाँचों अरकान के नाम बताएं। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हम खुशी और गम में किसे पुकारते हैं? अल्लाह ताला को। हमसे सबसे करीब कौन सी हस्ती है? अल्लाह ताला। हमें किससे दुआ मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला। वज़ू किसे कहते हैं? नमाज से पहले पाक होने के तरीके को वज़ू कहते हैं। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, दोनों हाथ कोहनी तक धोना, पूरा चेहरा धोना, सर का मसा करना, दोनों पाँव टखनों तक धोना। खाना खाने से पहले की दुआ? खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ? इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। दूध पीने की दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2। हदीस नंबर इन्नमल आमालु बिन्नियात, तर्जुमा अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2 तर्जुमा आदमी और कुफ के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है।